हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज शिल्पा। मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दिस ब्यूटीफुल आई मेकअप, जो कि आप कैरी कर सकते हो पार्टीज में, वेडिंग में, एज ए वेडिंग गेस्ट, एज ए ब्राइड। बहुत ही ब्यूटीफुल ये ग्लैम आई मेकअप लुक है। ये गोल्डन एंड रेड अंडरटोन में है और थोड़ा सा हिंट ऑफ ब्लैक है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है जानने के लिए कि कैसे मैंने ये आई मेकअप लुक क्रिएट किया है विथ ब्यूटीफुल विंक्ड आईलाइनर, देन ये वीडियो एंड तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो कीजिए इसको लाइक, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो सबसे पहले मैं अपने आईलिड्स को प्राइम करूँगी ताकि कलर पॉप हो विथ ए कंसीलर। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रिवोल्यूशन कंसीलर। बहुत ही अच्छा ये कंसीलर है। इसके बाद मैं कंसीलर को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ लॉरियल मैट मजीक कॉम्पैक्ट। इससे मैं पूरे आईलिड्स को सेट कर लूँगी एंड देन इसके बाद मैं एक लाइट ब्राउनी न्यूड कलर को अप्लाई करूँगी अपने क्रीज पे, जस्ट थोड़ा सा डेप्थ देने के लिए, बिकॉज मैं इसके बाद जो कलर अप्लाई करूँ वो अच्छे से अप्लाई हो और पॉप हो। नेक्स्ट मैं लाइट ब्राउन शेड को अप्लाई करूँगी अपनी क्रीज पे और अच्छे से ब्लेंड करूँगी इसको। तो ब्लेंडिंग में टाइम देना बहुत ज़रूरी है आई मेकअप में। तो आप देख सकते हो मैं ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से कर रही हूँ। इसके बाद मैं थोड़ा सा डीपर साइड ऑफ ब्राउन विथ रेड हिंट रहेगा वो कलर को अप्लाई कर रही हूँ क्रीज पे और आउटर वी पे बहुत अच्छे से फोकस कर रही हूँ और राउंडिंग यू नो मोशन में अपने ब्रश को घुमा रही हूँ ताकि अच्छा सा कलर मिले मुझे आउटर वी की तरफ, ज़्यादा इंटेंस कलर मिले। पिंक अंडरटोन रेड कलर को अप्लाई करूँगी अपने आउटर वी पे और उसको भी मैं सिर्फ आउटर वी के तरफ ज़्यादा इंटेंसिफाई करूँगी और क्रीज कलर के साथ ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं अपने कट क्रीज के लिए कंसीलर से कट कर रही हूँ अपने क्रीज को। तो यहाँ पे मैं स्मॉल फ्लैट ब्रश से यूज़ कर रही हूँ कंसीलर। मैं सेम कंसीलर को अप्लाई कर रही हूँ टू कट माई क्रीज और धीरे धीरे करें ताकि कोई गलती ना हो और अच्छे से क्रीज को मैं कट कर लूँगी ताकि नेक्स्ट जो भी कलर मैं प्लेस करूँ वो बहुत अच्छे से पॉप हो मिड आईलिड पे। वाइट कलर के आई शेडो से मैं अच्छे से कंसीलर को सेट कर लूँगी। इससे क्या होगा कि क्रीजिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा और नेक्स्ट कलर बहुत अच्छा पॉप होगा। तो नेक्स्ट मैं गोल्डन कलर को अप्लाई कर रही हूँ। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है। इसको मैं एक फ्लैट ब्रश के हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहे तो अपने फिंगर के हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हो। ये कलर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और बहुत पिगमेंटेड है। नेक्स्ट मैं सेम पिंक अंडरटोन रेडिश कलर को अप्लाई करूँगी अपने आउटर वी पे, जस्ट येलो कलर के साथ मिक्स करने के लिए, अच्छे से मिक्स हो जाए दोनों कलर, कोई हार्श लाइन ना लगे इसलिए। नेक्स्ट मैं ब्लैक शेड को अप्लाई कर रही हूँ अपने आउटर वी पे, जस्ट ओनली आउटर वी पे इंटेंसिफाई कर रही हूँ और नेक्स्ट मैं क्रीज कलर के साथ ब्लैक शेड को भी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो यहाँ पे ये ब्लैक शेड अप्लाई करने से थोड़ा सा डेप्थ मिलेगा आउटर वी पे और बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है ये आई मेकअप, एज यू कैन सी। नेक्स्ट मैं विंक आईलाइनर अप्लाई करूँगी। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ सुगर का आईलाइनर। तो आप कोई भी आईलाइनर यूज़ कर सकते हो। ये फेल टिप आईलाइनर है, बहुत अच्छे से प्रिसाइजली आईलाइनर ड्रॉ कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा लॉन्ग लास्टिंग एंड वाटरप्रूफ आईलाइनर है। तो बहुत अच्छा एक विंग्ड आईलाइनर अप्लाई करूँगी। सो बोल्ड आई मेकअप के साथ बोल्ड विंग लाइनर बहुत अच्छा जाता है। तो एज यू कैन सी मैं बहुत बड़ा सा विंग रखी हूँ। नेक्स्ट मैं अपने वाटर लाइन को टाइट लाइन करने के लिए यूज़ कर रही हूँ स्टे कॉर्की का आई लव यू टू काजल। इससे मैं अपने लोअर वाटर लाइन पे अप्लाई करूँगी और नेक्स्ट मैं इसको अच्छे से सेड भी कर लूँगी विथ ए ब्लैक आई शेडो सेम पैलेट में से। तो यहाँ पे मैं
ओनली वन पैलेट यूज की हूँ और अच्छे से सेट कर लूंगी अपने लोअर वाटर लाइन को और थोड़ा सा थिक कर लूंगी अपने काजल को। नेक्स्ट मैं रेड कलर के शेड को लेके अच्छे से स्मोक आउट भी कर लूंगी लोअर आईलैशेस को, तो लोअर लैशेस पे एक स्मोकी इफेक्ट लगेगा जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है इस आई मेकअप के साथ। इसके बाद मैं इन कलर शिमर ब्रिक यूज कर रही हूँ। इसमें से सिल्वर कलर के हाइलाइटर को मैं अप्लाई कर रही हूँ अपनी ब्राउ बोन पे टू हाईलाइट माई ब्राउ बोन एंड देन इनर कॉर्नर पे भी थोड़ा सा अप्लाई कर लूंगी। इसके बाद मैं अपने लैशेस को कोट करने के लिए यूज कर रही हूँ मस्कारा। यहाँ पे मैं यूज की हूँ वेट एंड वाइड मेगा लेंथ मस्कारा। इसके बाद मैं अप्लाई करूंगी फॉल्स आई लैशेस और उसी के साथ मेरा आई मेकअप कंप्लीट होगा। सो गाइज, दिस इज द फाइनल लुक। तो आई मेकअप आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए, साथ में अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में फिर से। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।